जिला बारामूला में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से कीमती सामान और नकदी बरामद की है। पुलिस के डीएसपी गुलजार रशीद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने चोरी में मुलव्वस 3 चोरों को बारामूला से कल रात गिरफ्तार किया है। उन्होंने मजीद बताया कि तीनों चोर काफी अरसे से चोरी की वारदातों में सरगर्म थे। उनका कहना था कि आज से कुछ माह कबल दिलना बारामूला में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में चोरी की वारदात पेश आई, जहां से इन चोरों ने कुछ लैपटॉप्स और LCD चोरी किए थे। पुलिस ने आज वो सारा सामान इनके कब्जे से बरामद किया है। डीएसपी ने मजीद बताया कि कल दोपहर को इन चोरों ने एक दुकानदार को लूटा था और वहां से 80,000 नकदी रकम लूटी थी। पुलिस ने दौरान तफ्तीश इनसे शराब की दर्जनों बोतलें भी जब्त की और इनके खिलाफ बारामूला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है और मजीद तफ्तीश शुरू की है। जैसे कि 27/5 को हमने एक कंप्लेंट रिसीव की थी नुसरत मंजूर की तरफ से, डॉक्टर मंजूर अहमद आखुन जो कि खानपुरा बारामूला की रहने वाली है। तो पीपी दिल ने ये कंप्लेंट रिसीव की थी जिसमें उसने बताया था कि ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 26 एंड 27 2020 को वहाँ पर एक चोरी हुई थी उनके एक इंस्टीट्यूट में जो कि दिल्ली में वाका हुआ है, जिसमें 4 लैपटॉप्स, 2 कंप्यूटर्स, UPSs, 2 नंबर 4 चार्जर्स और कुछ वाईफाई डिवाइस वगैरह वहाँ चोरी हुई थी। अकॉर्डिंगली इस पर एक FIR दर्ज किया गया था पुलिस स्टेशन बारामूला में 64/2020 अंडर सेक्शन 457-380 IPC। इसी तरह से दूसरी एक एप्लीकेशन हमारे पास आई थी 11/8/2020 को मुबशर अहमद टांगा की तरफ से, जो कि नूरबाग बारामूला का रहने वाला है, जिसमें उसे बताया था कि उसका जो एक शॉप है मेन टाउन बारामूला में, तो उसमें चोरी हुई थी 80,000 की चोरी हुई थी। तो दोनों केसों को हमने बड़ी अच्छे तरीके से लिया और स्विफ्ट एक्शन ली। तो इसमें हमने 2 कल्प्रिट्स जो है उनको अरेस्ट किया है। पहले वाले में एक जिसके इंकशाफ से हमें 2 कंप्यूटर्स, 4 लैपटॉप हमें मौसूल हुए, जिनका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है 2,40,000। दूसरे केस में भी हमने और एक को गिरफ्तार किया है और उससे हमने जो अमाउंट वहां पर चोरी हुआ था 80,000 वो भी हमने रिकवर किया। इसी तरह से कल रात को जो कि हमारी नाका पार्टी थी दलिना में, तो वहाँ एक गाड़ी हमने इंटरसेप्ट की है। तो इंटरसेप्ट करने के बाद जिसको जो ड्राइवर चलाने वाला था उसका नाम हमें पता चला, वो अमृतपाल सिंह था, सनाफ अमृतपाल सिंह, जो कि कनिशपुरा का रहने वाला है। तो ड्यूरिंग सर्च उसकी गाड़ी जब हमने सर्च की तो वहाँ पर भी हमने कुछ 15 बोतलें जो लिक्वर है जिसका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है 5,000 से ऊपर है। तो इस पर भी हमारे थाने में एक FIR रजिस्टर हुआ है 132/2020। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तीनों केसों में और जो भी चीज़ें हमें और सामने आ जाएगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। थैंक यू। क्या इसमें इतने ही लोग इन्वॉल्व थे या वो कुछ? अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन उसमें तो हमने हर एक केस में, जैसे पहला वाला FIR जो है जिसमें लैपटॉप वगैरह चोरी हुए, उसमें भी एक ही अभी तक हमने गिरफ्तार किया है। दूसरे वाले केस में जिसमें 80,000 का अमाउंट जो चोरी हुआ था उसमें भी अभी तक एक ही गिरफ्तार हुआ। मैंने जैसे बताया कि जितना भी मजीद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीज़ें सामने आ जाएगी वो आप सभी लोगों के साथ, आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम आपका बड़ा शुक्रिया इस पर करते हैं कि आप हमारी चीज़ों को इस तरह से लेते हो। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला जो है, सब डिवीजन बारामूला, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला ओवरऑल, इन चीज़ों पर हमारा ड्राइव है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो इलिसिट लिक्विड हो, आगे भी इंशाल्लाह हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे। मैं अपने SHO साहब PP दिल्ली इंचार्ज, इनको भी इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज के दिन पर। थैंक यू।